हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2019-2 में अब हमारे पास केवल 1 वीक का समय बचा है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को एग्जाम देना है। ये लास्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन लास्ट 7 डेज में हम ऐसा क्या करें कि जनवरी 2019 से हम अपने स्कोर को और अप कर पाए। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि जेई मेंस 2019-2 में मोर देन 70% स्टूडेंट वो हैं जो जनवरी अटेम्प्ट दे चुके थे और आप सभी लोगों ने दोबारा देने का मन इसलिए बनाया होगा कि कैसे स्कोर को इम्प्रूव किया जाए। तो आप इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर में परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करें उस पर डिस्कस करूंगा। जनवरी और अप्रैल के पेपर में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ जो मैं ऑनलाइन क्लासेज या लाइव क्लासेज लेने वाला हूँ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जनवरी जब आपने अटेम्प्ट दिया था उस समय आप में से कई लोगों का 100% सिलेबस नहीं हुआ था, नंबर वन। नंबर टू, आपके 12th के एग्ज़ाम आने वाले थे और आप में से कुछ लोगों ने बाद में प्री बोर्ड 12th के बिगड़ने के वजह से जेई मेंस जनवरी में उतना फोकस नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि आपके 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं अब आपके ऊपर आने वाले समय में कोई प्रेशर नहीं, नंबर वन। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या होगा। आप में से कई लोगों ने, मैंने जब पिछला सेशन भी लिया था पूछा था, सर क्या पेपर इस बार बहुत टफ आएगा, पिछली बार ये आया था तो हमें सब बोलना टफ आएगा, ये इस बार NCERT से नहीं आएगा। मैं पहले एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि JEE का पेपर आप किसी भी समय का उठा के देख लें, मेंस का स्पेशली, टफ नहीं आता है, लॉजिकल आता है। और आपका अगर बेस फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ लाइव क्लासेस चालू की और अभी मैं कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस और लेने वाला हूँ जिसमें मैं मिनिमम टाइम में पहले तो आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन करूंगा और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली क्विक रिवीजन होगा तो उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने बाइनोमियल का लाइव क्लास लिया तो उसको मैंने करीब 1.5 आवर में कवर किया, पर यही कोर्स जब हम साल भर करते हैं तो करीब करीब 20-30 आवर्स लगते हैं, यानी 15 से 20 डेज। उसको हमने शॉर्ट में कैसे किया, तो ये जो क्विक रिवीजन क्लासेस हैं आप सबके लिए बहुत यूजफुल होंगी अगर आपने फाउंडेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है। और उसके अप्रोच से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो अभी जो भी मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं उनको जरूर देखिएगा और उससे आपको समझ में आएगा। इन लाइव क्लास का पर्पस यह है कि आपको एक चीज रियलाइज करनी है, अगर आपने 11th 12th का कंसेप्ट अच्छे से बनाया है तो आप जेई मेंस के पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मैं बिल्कुल श्योर हूं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि ये लाइव क्लास देखिएगा और फिर आप देखिए आपको क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। बशर्त है आपका बेस या फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्विक रिवीजन की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में या नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। और खास बात यह कि आप जितने ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास ऑनलाइन कोर्स है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो चीज आपके पास कोर्स में है उसी तरह के क्वेश्चन आए और वही एक अप्रोच है। यानी आपका, मैंने मैथ्स पे हमेशा बोला आपसे कि सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि आपकी राइटिंग कम हो, स्टेप्स कम हो, उससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। फिजिक्स में कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपको चीजें याद होना चाहिए। तो अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, नंबर वन, कि क्या क्या चीजें हैं जो आप अगले एक हफ्ते आप करें और क्या चीजें हैं जो एक हफ्ते ना करें जिससे कि आप परफॉर्मेंस दें। और एक बात बोलना चाहूंगा, जनवरी और अप्रैल के पेपर में जो अगर डिफरेंस मैं बता दूं अगर कोई होगा तो वो होगा टेम्परेचर का। जनवरी में विंटर था, काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडक थी, तो हमारा परफॉर्मेंस अप रहता है। पर जब हम बात करेंगे अप्रैल की तो टेम्परेचर आप देख रहे हो कि बहुत हाई हो चुका है, 40-45 तक जाने लगा है कुछ सिटी में, यानी 35 के ऊपर तो ऑलमोस्ट सभी सिटी में, तो हाई टेम्परेचर में परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अभी अगले एक हफ्ते खूब पानी पिए, मन को शांत रखें, 2 या 3 बार नहाने का कोशिश करें, क्योंकि आपका टेम्परेचर बॉडी कंट्रोल होना चाहिए। बाहर का कुछ भी ना खाएं, जितना हो सके माइंड को कूल रखें। दूसरी बात, नया कुछ ना पढ़ें। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था ये सुन के कि सर जनवरी में जितनी अच्छी तैयारी की थी उतनी अच्छी अभी नहीं की ऐसा लग रहा है, पर ये सब हमारे अंदर की फीलिंग होती है, हमें सब कुछ आता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालने की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं बोलना चाहूंगा आप सबको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, वो ये कि जब आप पेपर देते हैं, चाहे वो 11th का पेपर हो, चाहे 12th का हो, चाहे वो IIT का या कोई भी एग्जाम का, पेपर के समय जो चीज़ हमें नहीं बनती या जो चीज़ को हम पेपर में सॉल्व करने में टाइम लेते हैं, कई बार हम उन्हीं क्वेश्चंस को घर पे आके, या कई क्वेश्चंस को हम जब घर पे आके देखते हैं तो हमें लगता है अरे एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरी नज़र में क्यों नहीं आया या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, और आप बहुत अच्छा उसमें घर पे आके कर लेते हैं। अब जो चीज़ आपको पेपर में करनी थी वो आपने घर पे आके की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बात जानते हैं सब कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर्स हैं, आप बाथरूम में कितना अच्छा गाना गाते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो स्टेज में गाना गाता है हम उसी को जानते हैं। वैसे ही
पेपर वाले दिन आपको परफॉर्म करना है। अब पेपर वाले दिन परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है, अब पहले तो एक चीज लॉजिकल तरीके से समझें कि वो पेपर जो आपने एग्जाम के समय दिया था वो घर जाके इजी क्यों लगा। अगर ये कीवर्ड आपने समझ लिया तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इस बार आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो घर पे जाके आपको बन गया, अगर घर पे भी पहली बार देखते तो हो सकता है यही होता जो एग्जाम के समय हुआ, पर जब आप घर पे उसे देख रहे थे तो आप सेकेंड टाइम देख रहे थे। और पेपर के समय हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पेपर पूरा पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, तो हमने हर चीज़ पे ध्यान दिया होता है, इसलिए जब हम सेकेंड टाइम देख रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ जो एग्जाम में क्लिक नहीं करती वो समझ में आने लगती है। इसका मतलब वो पेपर पुराना हो गया है, इसलिए आपको पेपर ज़्यादा बन रहा है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जो जेईई मेंस 2 देने वाले हैं उसके पेपर को पुराना बनाओ। ये सुन के आपको अजीब लगेगा, पर कैसे उस पेपर को ओल्ड, उस पेपर को पुराना कैसे बनाएंगे जब वो चीज़ मिली नहीं। तो उसका तरीका ये है कि जो पेपर आपके पास आज हैं, यानी जेईई मेंस जनवरी 2018 के 8 फिजिक्स, 8 केमिस्ट्री और 8 मैथ्स के, और उसके पीछे के भी ऑनलाइन वाले पेपर्स अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो एटलीस्ट ये 8 पेपर्स, इनको आप बार 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 सॉल्व करिए। जो उस समय 3 घंटे में हुआ था आपको पता, मैंने पिछले बार बोला था, कई बच्चों ने कर लिया, आप आज उसको आधे घंटे में करते, मैं बोलूंगा आप उसको इतना पुराना कर लो कि आप 10 से 15 मिनट में पूरा पेपर कर पाए, यानी आपके क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज सोचिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वही चीज मैं लाइव क्लास में लेने वाला हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एक क्वेश्चन आया तो अगले पेपर में कौन सा आया, अगले में कौन सा आया, उसके अगले में कौन सा आया, उसके अगले में, आपको वो अगर एक चीज क्लियर हो गई अभी तो आता सब कुछ है आपको, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको पेपर को पुराना करने की आदत बनानी है, और पुराना ऐसे होगा कि अगर आप पुराने पेपर को कई बार सॉल्व कर लेंगे तो नया पेपर भी पुराना लगेगा आपको। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपको उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। और अभी एडवांस के लिए कुछ नहीं सोचना, और किसी एग्जाम के लिए नहीं, बिट्स के लिए भी नहीं, बिट्स के लिए भी काफ़ी टाइम है, मैं बिट्स के लिए सेपरेट सेशन जेईई मेंस जैसे ही कंप्लीट होगा लेने वाला हूँ, उसके भी लाइव सेशंस लूँगा। क्योंकि बिट्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से ऑनलाइन होने लगा जो गाइड्स आती है उसमें कई बार क्वेश्चन में हम मिसगाइड हो जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पर वो एक्चुअल में बिट सेट के होते ही नहीं, तो वो सब बातें मैं बाद में करूंगा। तो अभी मेरा ये फोकस है कि आप अपने पेपर को पुराना बनाने की कोशिश करिए, और जो बात मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ वही फिजिक्स के लिए अप्लाई, वही केमिस्ट्री के लिए। दूसरा, नया पोर्शन कुछ नहीं पढ़ना, इवन नया नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ाई बंद कर देनी है, अब बस बुक बंद कर दीजिए, समय आ गया। अगले 5 दिन, लास्ट के एक दिन तो आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी, एक दिन बिल्कुल ऐसा रखना, अगर आपका 8 का पेपर तो 7 को, 9 का पेपर है तो 8 को, बिल्कुल भी नहीं। 8 के बाद पेपर है तो एक चीज जरूर करनी है कि जो पेपर होते जाएंगे, क्योंकि मैं सारे पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे ही पेपर आएंगे, जैसे ही पेपर बच्चे मुझे भेजेंगे क्वेश्चन, मैंने सभी बच्चों से बोला ऑनलाइन वाले से, वैसे ही मैं उसका ऑनलाइन आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा। तो उन पेपर को इसलिए देखना है क्योंकि लगभग सिमिलर पेपर आपने देखे आए, आगे भी आएंगे ऑनलाइन में, हमेशा हम देखते हैं, तो वो चीज़ आपके जरूर काम आएगी। बट आपकी पढ़ाई मेरे हिसाब से 5 या 6 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम एग्जाम के एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं जो हमने 2 घंटे पहले पढ़ी, पर वो चीज़ें जो हमने साल भर पढ़ी वो चीज़ रिकॉल करने में हमारा ब्रेन टाइम लेता है, क्योंकि हमने अभी नया पढ़ के पुरानी चीज़ों को और पीछे कर दिया। इसलिए हमेशा आखिरी दिन कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। आप आखिरी दिन पढ़ोगे, आपने आखिरी दिन सपोज कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर, आप अगले दिन देखोगे कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बन गया, बहुत कुछ अच्छा रहा, कॉम्प्लेक्स रिवाइज कर लिया, पर बाकी के टॉपिक के फॉर्मूले रिवाइज करने में आपको टाइम लग रहा होगा, यही फिजिक्स पे अप्लाई, यही केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट 5 डेज सबसे पहले बुक्स बंद कर दीजिए आज से, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पुराने पेपर्स के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं मैथ्स का आइडिया दे रहा हूं, पर यही बात फिजिक्स केमिस्ट्री पे अप्लाई है कि सपोज आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करिए, और उसी के साथ रिलेटेड थ्योरी का रिवीजन करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन उससे रिलेटेड थ्योरी, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन उससे रिलेटेड थ्योरी, यानी सभी की थ्योरी आपको खुद बिना बुक ओपन करे ब्लैंक पेज पे लिखना। जैसे ही ये वर्क करेंगे आपका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। यही काम फिजिक्स में करिए, यही काम केमिस्ट्री में करिए नेक्स्ट 3-4 डेज, अब आपके पास बहुत टाइम नहीं है। और ये जो 8 पेपर है इनको एक रेफरेंस मान लें। दूसरी बात, पेपर टफ कभी भी नहीं आता, फिर बोलूंगा मिस गाइड मत होइए। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि आईआईटी में टफ क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में टफ नहीं, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशन बेस्ड आते हैं। अगर आपका एक बुक अच्छे से कवर है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, वही एक चीज आपको समझनी है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि अब आपको एक, अब तो बुक सब बंद कर दीजिए, बस आप पेपर्स को समझिए, क्वेश्चन को निचोड़िए, कोई टफ नहीं आएगा, आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा,
और जो मिस्टेक्स आपने जनवरी में की हैं उनमें क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी, एनालाइज की होंगी, उनको अब नहीं करना है। पॉजिटिव माइंड से पेपर देना है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका वहां स्कोर 300 है तो आपको पता है दोनों एग्जाम का जो बेटर स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा, तो आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं। जो स्कोर आप ऑलरेडी ले चुके हैं उससे ज्यादा आएगा बहुत अच्छा है, बाई चांस नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घबराए बिना, जब हमें ये पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं जा रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये पेपर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा और एक आप अच्छे रिजल्ट की तरफ जाओगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव माइंड से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और मैं एक लास्ट सेशन जरूर लूंगा 6 को, उसके पहले कुछ लाइव क्लासेस लूंगा वो जरूर देखिएगा, और जो जो टॉपिक की लाइव क्लास ले रहा हूँ वो देखिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि एक एक घंटे में टॉपिक कैसे रिवाइज होते हैं। और वो मैं बिना बुक खोले करता हूँ, वही चीज़ आपको करनी, तो अब आपका वही एक समय है। और पॉजिटिव माइंड से अपने आप को तैयार रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।